वेलकम टू माय चैनल रतन कुंवर। आज हम फ्रेंड्स राजस्थान की ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी बनाएंगे। तो आज हम पित्तौड़ की सब्जी बनाएंगे। पित्तौड़ की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है। जब भी फ्रेंड्स घर में कोई भी गेस्ट आ जाए और सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं हो बनाने के लिए, तो इंस्टेंटली ये आप पित्तौड़ की सब्जी जो है बना सकते हैं। ये सब्जी फ्रेंड्स पनीर को भी मात दे देगी। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। जब आप छोक लगा के दही ऐड करते हैं, उस समय गैस की फ्लेम आपको लो रखनी है और दही में जो है स्पून बहुत ही तेजी से चलाना है, वरना दही जो है फट सकता है। तो दही जब तक घी न छोड़े तब तक आपको चलाते रहना है। तो पित्तौड़ की सब्जी बनाने के लिए एक कप मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। छान लेंगे तो जो है बहुत ही अच्छे होंगे। छानने से जो है बेसन जो है थोड़ा सा हल्का हो जाता है और इसमें कोई लम्स नहीं पड़ते हैं। इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसाले जो है फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। एक टेबलस्पून मिर्ची पाउडर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर कम तीखा पसंद करते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी जो है कम कर सकते हैं। एक टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लेंगे। एक टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। एक पिंच इसमें हींग ऐड कर देंगे और एक टीस्पून हम यहाँ पे अजवाइन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका पतला घोल तैयार कर देंगे। पानी जो है आपको हिसाब से डालना है। तो मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है, तो मैं यहाँ पे दो कप प्लस आधा ढाई कप मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करूंगी। इसमें खास करके एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे हम पानी जितना भी ऐड करना है इसे स्टेज पे करना है, बाद में हम इसमें पानी ऐड नहीं कर सकते। इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स, एकदम पतली है। गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है, घोल डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इतनी पतली रखनी है। तो गैस की फ्लेम हम यहाँ पे हाई रखते हुए इस तरह से स्पैचुला चम्मच आप कोई भी चला सकते हैं, इस तरह से स्पीड से चलाते जाएंगे जब तक कि ये एकदम थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए। इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है, आप देख सकते हैं पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे थाली के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप पतली चाहते हैं तो इसे दो थाली पे ट्रांसफर कर दीजिए या फिर आप एक थाली पे ही ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसे हम इस तरह से पूरी थाली पे फैला लेंगे क्योंकि इसे हमें बिल्कुल ठंडा करना है। इसे हम ठंडा कर लेंगे के अंदर हम जो है थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जरा से स्पैचुला से खुरेच के ले लेंगे। पानी को जो है हम ग्रेवी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। एक बाउल में निकाल देंगे और ग्रेवी में हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। इससे ग्रेवी जो है थिक हो जाएगी। दो कप दही ले लेंगे और अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर देंगे। गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है और आप चाहे तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, बट दही का कोई भी सब्जी बनाएं तो घी में बनाइए, बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इधर हमने दो से तीन टेबलस्पून घी के ले लिए हैं। हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, राई ऐड कर देंगे, राई हमारी छटक रही है तो हींग ऐड कर देंगे, लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन का कच्चापन निकलने तक हम इसे पका लेंगे। तो लहसुन जो है हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो गैस की फ्लेम हम यहाँ पे लो करते हुए ये दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें स्पून जो है आपको बहुत ही तेजी से चलाना है, वरना दही जो है अंदर जाके फट जाएगा। आप दही ऐड करना नहीं चाहते हो तो इस जगह पे आप जो है पानी भी ऐड कर सकते हो, बट ये ट्रेडिशनली दही में ही बनाई जाती है, जैसे गट्टे की सब्जी हो, ये पित्तौड़ की सब्जी हो। मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची बिल्कुल ऐड नहीं करी है, आप चाहे तो हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर की क्वांटिटी जो है थोड़ी ज्यादा रखी है। इंग्रेडिएंट्स जो है फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखती हूँ, अगर इसमें कोई बोलने में चूक हो जाए तो आप वहां से जो है ले सकते हैं। दही जो है घी छोड़ दिया है, तो अब हम इस स्टेज पे जो है पानी ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे दो कप दही लिया है, तो इसमें हम तीन कप पानी ऐड कर देंगे।
ग्रेवी आप पे डिपेंड करती है कि आपको कितनी थिक रखनी है। अगर थिक रखनी है तो पानी की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बेसन वाला पानी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। स्पैचुला चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। ये इसमें उबाल आ रहे हैं जब तक हम इस पित्तौड़ को जो है काट के ले लेंगे। इसे दो थाली में रखा था तो आप अपने हिसाब से छोटे मोटे डायमंड शेप में स्क्वायर शेप में जैसे आपको काटना है वैसे आप काट सकते हैं। इसकी थिकनेस मैंने इतनी रखी है जो है उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें ये पित्तौड़ ऐड कर देंगे। तो इसमें पानी की क्वांटिटी बरोबर थी और ये अच्छे से पका हुआ था तो आप देख सकते हैं बिना थाली को ग्रीस किए ही ये बहुत ही आसान से है निकल रहे हैं। और इसमें हम सिर्फ एक ही उबाल आने देंगे। तो इसमें बॉयल आ चुका है तो गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। धनिया पत्ता से गार्निश कर सकते हैं। कसूरी मेथी डाल रही हूँ तो इसे हम इस तरह से हाथों से रब करके डालेंगे। इससे इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आती है। वीडियो जो है फ्रेंड्स एंड तक देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में।